बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि मैं मेरी टीम के साथ में खड़ी हूँ और मेरी ताकत के साथ में खड़ी हूँ। यूनिट के अलावा मेरा बड़ा भाई इमरान पवार यहाँ पर है, इट्स ऑलवेज बिग स्ट्रेंथ था। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है हम दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं और पता नहीं मन करेगा एक का तो दूसरे का फोन कंफर्म आना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जोरदार तालियां पूरी यूनिट के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस। पहले तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को तहे दिल से सलाम। यस, ये पहला पोस्टर लॉन्च मेरे प्रोडक्शन हाउस से, ये पहला प्रोडक्ट है जो मैं मेरी हिंदुस्तान की जनता को, हमारी आवाम को, हमारे सिविलियंस को प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से हम अपनी कला, अपना टैलेंट प्रोड्यूस करके दिखाना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, इट्स अ बेसिकली ट्राइंगल लव स्टोरी और ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, लव पैशन सॉन्ग क्या है ये, ब्रोकन हार्ट सॉन्ग। सो बेसिकली ब्रोकन हार्ट सॉन्ग है और ट्राइंगल स्टोरी के साथ, और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, ब्यूटीफुल साउंड है। इसे गाया है फैज़ ने, फैज़ रिज़वी। उसकी आवाज़ कुछ ऐसी है कि उस बंदे के लिए मैंने, शबनम शेख ने, वो इंडिया में नहीं था दो महीना वो आउट ऑफ इंडिया था, 2 महीना मैंने उसका वेट किया। उसकी आवाज़ ऐसी है तो समझो उसकी आवाज़ को। और साथ ही में आप देख रहे हैं मेरे साथ में मेरी प्रोडक्शन टीम बैठी है, हियर वी कैन सी नासिर, अब आर्ट डायरेक्टर ऑलविन, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड दैट्स व हीरो बोथ माई साइड। ये दोनों हैंडसम हंग साथ में भूमिका लीड करते हुए ये हमारे प्रोजेक्ट में लीड कर रहे हैं, ये हीरो एंड हीरोइन। और साथ में मेरी एक हीरोइन अभी शूटिंग पे बिजी है जो इस वक्त नहीं आ पाई। सो इंशाल्लाह ये सॉन्ग आप सबको पसंद आएगा। मैं चाहूँगी मेरी पूरी यूनिट को कि ये पोस्टर लॉन्च में सपोर्ट करे, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है सक्सेस के लिए इंशाल्लाह। ये शूटिंग हो रही है लोनावला में, हम कल से शूट कर रहे हैं तो ये पहला बिस्मिल्लाह है टू स्टार्ट समथिंग। ये सॉन्ग जैसे हमने कहा कि ये एक ब्रोकन हार्ट सॉन्ग है, साथ ही साथ ये एक कॉन्सेप्ट स्टोरी के साथ में है, मॉरल ऑफ द स्टोरी के साथ में है। लास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा देखने मिलेगा क्योंकि आप जब भी ऐसे इंसान को देखते हैं तो कुछ ना कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये सॉन्ग भी कुछ ऐसे ही होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट ये सॉन्ग बनाने की वजह, येस ऑफकोर्स जशान, इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि मैं वेब सीरीज़ बनाते बनाते म्यूज़िक एल्बम पे कैसे आई। बेसिकली मैं चाहती थी कि मैं बॉलीवुड को दिखाऊं कि व्हाट वी कैन डू। बॉलीवुड बेसिकली यहाँ मुंबई में किसी जगह का नाम नहीं है, बॉलीवुड एक थीम है जो सबके दिमाग में बैठी है कि जो हिंदुस्तान के कोने कोने से, आपको पता है रोज़ कितने लोग आते हैं मुंबई हीरो बनने, हीरोइन बनने, अच्छा माध्यम मिल गया तो कहीं ना कहीं जूनियर आर्टिस्ट ये वो कैरेक्टर करते हुए दिखते, अदरवाइज दे ऑलवेज वॉक ऑन टू द रॉन्ग स्ट्रीट। वजह बदनाम है बॉलीवुड, क्योंकि यहाँ मुंबई में बॉलीवुड करके कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इफ़ यू गो एंड सी हॉलीवुड, तो हॉलीवुड ऑफकोर्स देर इज़ अ डेस्टिनेशन, वहाँ पे एक लोकेशन का नाम है तो लोग एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ क्या होता है, जो भी नया इंसान मुंबई आता है हीरो हीरोइन बनने के लिए, उनको लगता है कि मुंबई पहुँचते कोई ना कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलेगा और वो उनको कास्ट करेगा, वो उनको लॉन्च करेगा, वो उनको प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सॉन्ग बनाकर, ये सॉन्ग इंशाल्लाह एक हिट सॉन्ग होगा, आप जब भी ये सॉन्ग सुनेंगे आप कभी भी उस सॉन्ग को ना बीच में स्टॉप कर पाएंगे ना उसे स्किप कर पाएंगे। दिस इज़ माय चैलेंज, ये सॉन्ग बना के दिखा के बेसिकली पूरे के पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ईमानदार लोगों की बहुत कमी है। मैं एक प्लेटफॉर्म, शबनम शेख प्रोडक्शन एक प्लेटफॉर्म में ऐसा एक स्टेज बना के देना चाहती हूँ हमारे उत्तर भारतीय, खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, दो दो पाँच पाँच दस दस लाख रुपए किसी ना किसी को देते हैं जो उनको लॉन्च करने के बहाने पे उनको लूट रहे होते हैं। तो कम से कम ये मेरा प्रोडक्शन हाउस, हमारा बजट क्या है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, हमारा रिलीजिंग कॉस्ट क्या है, ये हम बड़े चैनल के साथ रिलीज़ करें, छोटे चैनल के साथ रिलीज़ करें, इसको इंडिपेंडेंट रिलीज़ करें, क्या बॉटम ऑफ द स्टोरी है। मेरा प्रोडक्शन हाउस बेसिकली उन लोगों के लिए काम करेगा जो अपने आप को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते हैं।
ये सॉन्ग बनाकर मैं एक अपना टीजर दिखाना चाहती हूँ प्रोडक्शन हाउस का कि व्हाट प्रोडक्टिविटी आई कैन शो एंड इंशाल्लाह वी विल रॉक दिस. इसके सिंगर का नाम है फैज रिजवी. ये हर प्लेटफॉर्म पे आप उसको गूगल करो, उसको जब भी आप सर्च करो यू कैन लिसन हिज ब्यूटीफुल वॉइस. मैं फैज रिजवी का एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी. शुभ जिस सॉन्ग को मैंने सुना और मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को मेरा सॉन्ग सुना नहीं सकती हूँ. इट इज़ स्टिल कॉन्फिडेंशियल अनटिल अनलेस वी रिलीज. ये आवाज़ मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इस बंदे का हिंदुस्तान लौटने का 2 महीने का इंतज़ार किया. आप सुनिएगा हमारे खूबसूरत सॉन्ग के साथ. जी पहले तो गोल्डन ग्लोरी अवार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया इस रिकग्नाइजेशन के लिए. ये अवार्ड एक एक्टिविस्ट को मिला है जो सोशल वर्क करती है और हिंदुस्तान का नंबर वन NGO प्रेजेंटेशन पे मिला है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस. एंड जब भी आप लोग, मैं मुंबई के लेवल पे नहीं कहूँगी, हिंदुस्तान भर में जब DV का नाम होता है डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो मर्दों के ऊपर हो या वो औरतों के ऊपर हो, तो चाहे वो पुलिस वाले हो या किसी भी तबके के लोग, वो मेरा नाम ज़रूर सजेस्ट करते हैं. तो ये इज्जत हिंदुस्तान की तरफ से नवाजी गई है, वो उसी के लेवल पर वो अवार्ड दिया गया है. भूमिका प्लीज़. जी बताइए अपना किरदार के बारे में, किरदार किस तरह का होगा? मेरा किरदार उसमें एज अ वाइफ में होगा. जी बताइए. जैसे कि मेरा एक छोटा बेबी रहेगा 2 साल का और उसके साथ मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और वैसे सब किरदार रहेगा उसमें. पूरी डिटेलिंग तो नहीं बता सकते कॉन्फिडेंशियल है. हाँ, इससे पहले आपने कभी किसी फिल्म या किसी एल्बम में काम किया है? यस, मैंने 2-3 जगह पर काम किया है, बट एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट और एज अ डांसर वगैरह में. बट अभी फिलहाल ये मेरा फर्स्ट इवेंट हो रहा है. मैम से उम्मीद नहीं रखी जा सकती, मैम तो हमारी माँ है. आफ्ताब कुछ बोलो. आफ्ताब बहुत कम बोलता है, बट आफ्ताब प्लीज बोलो. हाँ, मैं 2 एल्बम शूट्स किया हूँ एंड ग्रैंड शूट्स करते रहता हूँ. मैं आई जी मौका मिला है गाना, एक्चुअली मेरे मतलब उन्होंने चुनाए थे मेरे को सॉन्ग, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को इंटरेस्ट आया कि काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, तो दैट्स व्हाई आई डू दिस सॉन्ग. गाने से उम्मीद तो बहुत ही मिली, बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाने से. मेरे कैरेक्टर का नाम जस्टिन है और जस्टिन का कैरेक्टर ये है कि उसको शनाया को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ. कभी नहीं ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसे सबको लगना चाहिए. वेरी एक्साइटेड कंप्लीट टीम एक्चुअली. जैसे कि शबनम जी, आपको अभी गोल्डन टावर से नवाजा गया था बेस्ट सोशल वर्कर करके, तो लोग आपके पास इंसाफ के लिए आते हैं जी, तो क्या वो इंसाफ का दरवाजा आप बॉलीवुड में वेब सीरीज में एल्बम में आप बिजी होने वाली है, आपका शबनम के प्रोडक्शन वो चालू हो रहा है, तो क्या वो उम्मीद अभी लोगों ने छोड़ देनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने हमेशा कहा है मैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान मेरा है, तो हिंदुस्तान को जब भी जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, चाहे वो किसी भी हिंदुस्तानी को, हक पे होना चाहिए, लायक पे होना चाहिए और जायज़ पे होना चाहिए. आपका इंसाफ का दरवाज़ा हमेशा खुला है. आप मेरी डेट्स चेक करो, आप अपॉइंटमेंट्स के शेड्यूल चेक करो, आप जब भी कॉल करोगे मेरा पूरा क्रू है आपकी हेल्प करने के लिए. हेल्प केयर फाउंडेशन 24/7 अवेलेबल है एंड 365 डेज. इंशाल्लाह क्लैप फॉर द एंटायर हेल्प केयर टीम. दीज आर माय एसेट्स, ये मेरी ताकत है, ऐसे पॉसिबल नहीं है इनके बिना. एंड यू आर वन ऑफ द देम. थैंक यू सो मच.